दोस्तों, हमारे नेट की कोई भी वेबसाइट जब हम ओपन करते हैं, जैसे फेसबुक, ट्विटर, अमेजन, ओला एक्सेट्रा, तो अगर हम उसके डायरेक्ट वेबसाइट पर पहुंचना चाहें बिना किसी एक्स्ट्रा वेब पेज को ओपन किए हुए, तो हम पहले www.facebook.twitter.ola इत्यादि, उसके बाद हम .com लगा दें तो उसके डायरेक्ट वेब पर पहुंच जाते हैं। तो आखिर में www का यूज सर्च इंजन कंपनियां अपने किसी भी वेबसाइट में क्यों करती हैं? www का मतलब क्या होता है? इंटरनेट के किसी भी URL पे ध्यान दें तो www का यूज जरूर होता है। क्या बिना www लगाए कोई भी वेबसाइट नहीं बनती है क्या? आखिर में www और इंटरनेट में रिलेशन क्या है? दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से इस टाइम कॉमन सी लगने वाली बातें जानेंगे, जो देखा जाए तो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से www से रिलेटेड मैं वो हर नॉलेज देने की कोशिश करूंगा जो शायद आपको किसी एक जगह उपलब्ध ना हो। सो दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा बड़ा ना करते हुए चलिए हम शुरू करते हैं। www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब, जिसका हिंदी मतलब होता है विश्वव्यापी वेब। ये शब्द तो हम बहुत पहले से ही सुनते आ रहे हैं, जब से हमने इंटरनेट का यूज करना शुरू किया है। इंटरनेट का यूज तो आजकल कॉमन सा हो गया है। हमें किसी भी चीज के बारे में जानकारी प्राप्त करनी हो तो फटाक से गूगल पर सर्च करते हैं और वो जानकारी हमें मिल जाती है। पर सर्च करते हुए आपने जब उसके URL पर ध्यान दिया होगा तो वहां पर www लिखकर आ जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी आप किसी URL में www लगा पाएं तो समझ लीजिए कि वो वेबसाइट की सर्वर में स्टोर है या तो किसी वेब पेज से जुड़ा हुआ है। और सिंपल भाषा में ये भी बोल सकते हैं कि बिना www के कोई भी वेबसाइट ही नहीं बन पाती। पर हमें अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि www का आखिर में काम क्या होता है और ये काम कैसे करता है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि www का काम क्या होता है। जो इंटरनेट हम और आप चलाते हैं उसमें सारी चीजें एक दूसरे से हाइपर टेक्स्ट के रूप में जुड़ी हुई होती है और उन्हें आपस में जुड़े हाइपर टेक्स्ट या जिसको हिंदी में दस्तावेज बोल सकते हैं को इंटरनेट से प्राप्त करने की प्रणाली को हम वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं। अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि www आखिर में काम कैसे करता है। किसी भी वेब पेज को देखने के लिए वेब ब्राउजर की जरूरत होती है। वेब ब्राउजर की सहायता से इंटरनेट पर HTTP यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल की सहायता से किसी भी वेब रिसोर्स मतलब इमेज, कॉन्टेंट, वीडियो, मल्टीमीडिया जो भी भेजा जाता है और वेब सर्वर के द्वारा पब्लिश किया जाता है। दोस्तों, इस तरह हमने ये जाना कि www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में जाना कि ये क्या होता है, ये कैसे काम करता है। अब लास्ट में हम ये जानेंगे कि बिना www लगाए क्या कोई भी वेबसाइट बन जाएगी, और दूसरा सवाल, इंटरनेट और www में रिलेशन क्या होता है। तो सबसे पहला सवाल ये है कि क्या www लगाए कोई वेबसाइट बन जाएगी, तो ये अभी तक पॉसिबल नहीं है। बिना www लगाए कोई भी वेबसाइट नहीं बनाई जा सकती है, क्योंकि www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब उस वेबसाइट का एक लोकेशन होता है। जैसे कि कोई सिस्टम सर्वर किसी दूसरे सर्वर से जुड़ा हुआ है तो एक सर्वर का कोई आईडी है, उसी प्रकार किसी भी वेबसाइट के आईडी को www आइडेंटिफाई करता है। दूसरा सवाल कि इंटरनेट और www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब के में रिलेशन क्या होता है, तो इसको हम एक कॉमन से एग्जांपल से आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें रिलेशन क्या होता है। इंटरनेट को हम एक सड़क मान सकते हैं जो दो शहरों को जोड़ता है। जिस प्रकार दो कंप्यूटरों को इंटरनेट आपस में जोड़ता है, उसी प्रकार दो शहरों को एक सड़क जोड़ता है, तो सड़क को हम इंटरनेट मान सकते हैं। और www यानी वर्ल्ड वाइड वेब को उस शहर में पड़ने वाले, उस सड़क के बीच में पड़ने वाले बिल्डिंग स्टोर मान सकते हैं। जैसे कि कोई वेबसाइट हो गया, इंटरनेट में जो स्टोर है उसको हम क्या मान सकते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब। सो फ्रेंड्स, इस तरह हमने जाना कि वर्ल्ड वाइड वेब क्या होती है, ये कैसे काम करती है और इसका मतलब क्या होता है और ये इंटरनेट से कैसे रिलेटेड है। सो फ्रेंड्स, यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।